हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, आ जाओ जल्दी से सभी। एक आपकी और भी नई क्लास शुरू हो चुकी है, डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर पर आधारित बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास होगी। सबके लिए महत्वपूर्ण होगी, ये मत समझना कि सिर्फ डीएलएड वालों के लिए। हाँ, लेकिन डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है और उनका चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 का मैं नाम बता दूं, देखिए हर चीज़ को लिखना आसान नहीं होता है, इसलिए हम जो बात बोल रहे हैं आप सुन के भी लिख सकते हो, है ना। तो चैप्टर नंबर 10 का नाम है तालखंड, बिंदु रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना, पटरी एवं प्रकार की सहायता से 60, 90 एंड 120 का एंगल बनाना एवं उनके प्रकार। ये इतना चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 10 में। अगर नहीं समझ में आया क्या क्या मैंने कहा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लें, 20 सेकेंड, सब फिर से सुन लीजिए। चलिए साथियों, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं तल और तालखंड की। ध्यान देना, ये है तालखंड और एक ये है तल। अब ध्यान से समझना, तल को इंग्लिश में बोलते हैं बॉटम। क्या बोलते हैं? बॉटम। जैसे आपने सुना होगा कि टंकी के तलहटी में थोड़ा सा पानी बचा है ना, बाल्टी की तलहटी में थोड़ा सा पानी है, होता है ना। तो तल और तालखंड में अंतर होता है। पहले थ्योरी समझना, कॉन्सेप्ट समझना, इसमें क्वेश्चन नहीं है, इसमें थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है। देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने इंक ले लिया और ये इंक है पूरा डिब्बी भरी है, इसमें हमने कोई एक गोली डाल दिया कांच की, तो कहाँ जाएगी वो बॉटम में जाएगी ना भाई। कांच की गोली होगी, भारी होगी, या लोहे की गोली मान लो, नीचे जाके बैठेगी यहाँ पर ना। तो ये क्या है? बॉटम। इसे क्या कहते हैं? इसे तल नहीं कहते हैं, इसे तलखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? तलखंड। ध्यान देना, तल और तलखंड में क्या अंतर होता है। देखिए, एक ऐसा तल जिसकी लिमिट होती है, जिसकी सीमाएं होती हैं, उसे तलखंड कहा जाता है। और एक ऐसा तल जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, उसे तल कहा जाता है। जैसे रेखा और रेखाखंड में होता है, रेखा और रेखाखंड में बहुत बड़ा अंतर होता है। देखो इधर देखना, ये जैसे मैंने खींचा तो ये क्या है? ये रेखा है, रेखाखंड है कि रेखा है? ये रेखा है। देखो इसमें एक प्रकार से, अभी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल रेखा रेखाखंड को अच्छे से आपको बताएंगे, इसको छोड़ो, पहले तल तलखंड की बात करते हैं। देखिए जैसे तलखंड में दीवारें, देखो दीवार जो होती है उसमें भी एक तल होता है, दीवार प्लेन होती है, लेकिन हर एक दीवार की एक लिमिट होती है। जैसे कोई भी सामान्य जो रूम होते हैं उनकी जो लंबाई होती है 12 फीट होती है, चौड़ाई 10 फीट होती है। तो ये तो लंबाई चौड़ाई की बात हो गई, तो दीवार की ऊंचाई जो है, अक्सर जो फ्लोर यानी कि छत बनाए जाते हैं 10 या 12 फीट पे बनाए जाते हैं, उनकी भी एक लिमिट होती है कि वो दीवार कितनी ऊंची है, 10 फीट है या 12 फीट है, इतना ही होता है ना। और आगे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बैठिए, ठीक है ठीक है। तो आगे जैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो एक कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लाए हैं, जैसे वाइट बोर्ड जिसमें हम लिख रहे हैं। देखो ये भी एक प्रकार का तल है, एक प्लेन है ना, मतलब दिख रहा है ना इसमें, लेकिन इसकी भी लिमिट है, क्योंकि वाइट बोर्ड जो है ये 8 फीट लंबा है और 4 फीट क्या है, चौड़ा है, ठीक ना। और अगर दूसरा एग्जाम्पल हम आपको कुछ और दें तो उसे भी ध्यान से समझना, जैसे व्हाइट बोर्ड हो गया, आपकी ये कॉपी हो गई जिसमें आप लिखते हैं, इन सब में भी तल है, लेकिन ये तल नहीं कहलाता, तलखंड कहलाता है, क्योंकि इसकी लिमिट होती है। बाकी अगर एक एग्जांपल बात करें तल की, अब आप लोगों के मन में काफ़ी देर से आ रहा होगा कि जब सब कुछ तल ही, तलखंड ही है, तो आखिर तल क्या है। देखिए इसका एक एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे धरातल, आपने सुना होगा है ना, धरातल मतलब धरती का तल, इसे अनंत माना जा सकता है। आप ऐसे तो नहीं कह सकते हो कि हाँ हम नाप लेंगे एक दिन में, 2 दिन में, है ना। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो नापा जा सकता है, लेकिन इसको अनंत माना जा सकता है। तो तल का एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे, धरातल। उसके बाद इसका कुल मिला के हमारा मतलब था, उद्देश्य था आपको समझाना कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, तल और तलखंड में। अगला टॉपिक देखना, ये हो गया तल और तलखंड। अगला इसमें टॉपिक है पॉइंट। पॉइंट को हिंदी में बिंदु कहा जाता है। देखो ये बिंदु क्या होता है, इससे आप ये भी कह सकते हो, डॉट भी कह सकते हो,
है ना, जैसे हमने यहाँ पे रख दिया तो ये क्या है, एक मार्कर जहाँ पे रख दिया क्या बन गया, एक बिंदु बन गया, एक पॉइंट बन गया, यहाँ पे रख दिया यहाँ भी बन गया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमने एक लाइन खींचा और मैं पूछूं कि ये कितनी लंबी है, तो आप इसको नाप सकते हो, बता दोगे कि ये कुछ सेंटीमीटर में है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जो भी होगा ना। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इस लाइन की ऊंचाई क्या है, तो इसमें आपको लगभग शायद ऊंचाई नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन इसकी क्या है, लंबाई तो है। और अगर मैंने एक ये आकृति बना दिया और मैं इसमें पूछूं कि इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसमें आप बता सकते हो कि इसकी ऊंचाई ना आपके कुछ भी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई भी बता सकते हो, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि इस बिंदु की ऊंचाई क्या है, इस बिंदु की लंबाई क्या है, नहीं बता सकते हैं। अब देखना, यहीं से मिल गया प्लस पॉइंट। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी आकृति जिसकी कोई बीमा नहीं होती, वो बिंदु कहलाती है। देखो भाई, सब कुछ लिखेंगे नहीं हम इसमें, मुंह से बोल रहे हैं, बक रहे हैं, आप सुन लो और लिख लो। जिनको नहीं एक बार में समझ में आता, मैं बातों को दो दो बार बोलूँगा, अगर फिर भी नहीं दिमाग में घुस रहा है तो वीडियो को थोड़ा बहुत पीछे कर लीजिए, फिर दोबारा से सुन लीजिए और लिख लीजिए, ठीक ना। तो तल किसे कहा जाता है, तलखंड किसे कहा जाता है और बिंदु किसे कहा जाता है, ये सब तो मैंने बता दिया। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ आसान शब्दों में, बिंदु किसे कहते हैं, एक ऐसी आकृति जिसकी कोई बीमा नहीं होती है वो बिंदु कहलाती है। बीमा का तात्पर्य आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोष्टक में लिख लो, बीमा मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक ना। मतलब एक ऐसी आकृति जिसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ऊंचाई होती है, वो बिंदु कहलाती है। इसके सबसे पहले हमने आपको बताया था तल, तल के पहले बताया था तलखंड। जैसे तलखंड की एक प्रकार से कोई विशेष परिभाषा नहीं है, ना पूछा ही जाएगा, इसको ऐसे भी कह सकते हो कि कमरे की दीवार को तलखंड कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी सीमाएं होती हैं। और अगर तल की बात करें तो कल्पना करें कि दीवार, छत, मेज आदि की कोई ना कोई सीमाएं होती हैं, अगर इसकी कोई सीमा ना हो तब इसे तल कहा जा सकता है। तो ये 3 बिंदु आपके क्लियर हो गए, बॉटम, बॉटम ब्लॉक एंड पॉइंट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वो क्या है। देखिए, बिंदु का एक और भी डेफिनेशन दिया जा सकता है, इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिसकी कोई छाया ना हो। छाया मतलब जानते हैं, देसी भाषा में परछाई कहा जाता है। जैसे अगर हमने एक डिब्बी लिया है, इसकी एक छाया होगी, इसकी एक परछाई होगी। कैसे, अगर हम इधर साइड से कोई टार्च जलाते हैं बगल में साइड से, तो क्या होगा, इसकी परछाई बनेगी। आप दिन में निकलते हो, सूरज निकलता है ऊपर आसमान में, रास्ते में चलते हो, परछाई दिखाई देती है ना। कभी अगर ध्यान से देखो, ऐसे तो दोपहर में कोई निकलना नहीं चाहता धूप में, लेकिन अगर निकल के देखो तो दिखेगा। या फिर आप मोबाइल का फ्लैश ऑन करके कोई वस्तु सामने रख के देखो, उसकी परछाई बनेगी। लेकिन एक बिंदु है, इसकी कोई परछाई बनेगी नहीं ना। और एक बात और समझना, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो बोर्ड में खींचे हो, ये वर्ग आयत, क्या इसकी परछाई बनेगी। अगर इस आकार की कोई आप वस्तु लेते हो तो उसकी परछाई जरूर बनेगी। और देखो, जैसे इधर ये मैंने लिया डस्टर, डस्टर एक आयत आकार का है। आयत मतलब जानते हो, इंग्लिश में इसे रेक्टेंगल कहा जाता है। देखो, इसमें लंबाई है, चौड़ाई भी है, लंबाई इधर का और इधर का बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है ना, ये आयत आकार का है, तो इसकी क्या है, छाया हो सकती है। और आगे एक महत्वपूर्ण आता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट को हिंदी में प्रतिच्छेदन बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिच्छेदन बिंदु। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं, आप सभी इनको नोट करते जाइए, ठीक ना, नोट करिए, जिससे कि आपको ये चीज़ें बाद में समझ में आए और आपको कोई भी मुसीबत ना हो समझने में। इसको तो मैं फालतू मिटा दिया, पॉइंट इसे बोलते हैं, बिंदु, ठीक। इसके बाद है इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना, ओके, नोट कर लो जल्दी से। इसे ऐसे लिखेंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु। कुछ लोगों को तो हिंदी में काफ़ी मुसीबत होती है लिखने में। देखो, ये प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होता है, अगला हमारा पॉइंट है, समझना ध्यान से। प्रतिच्छेदन बिंदु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये बिंदु से ही रिलेटेड है। देखिए, अब इसको हम कुछ अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक ना। प्रतिच्छेदन बिंदु का मतलब क्या होता है साथियों,
कोई एक रेखा है, कोई एक रेखा है और इसको दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही जगह पर काटें। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक रेखा गई और इसको इसने कहाँ पर काटा, बिंदु ओ पर काटा, और इस रेखा का नाम है पी क्यू और इस रेखा का नाम है ए बी। तो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि ए बी रेखा पी क्यू को ऊपर काटती है, या ये भी कह सकते हो कि पी क्यू रेखा ए बी को ऊपर काटती है। मतलब कोई भी रेखा जो है एक दूसरे को काटती कह सकते हो। उसके बाद अगर एक और रेखा इसमें से ही होते हुए ऐसे जाती है, इस पे से ही जाती है और इसका नाम है मान लो आर एस, तो ये भी क्या कर रही है, इसी बिंदु पर काट रही है। तो ये क्या है, इन रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु है। मतलब समझना, इसका ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हो कि वह बिंदु जिससे होकर दो या दो से अधिक रेखाएं जाती हैं प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। वो बिंदु जिससे होकर के दो या दो से अधिक रेखाएं जाती हैं प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। नहीं लिख पाए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए और लिख लीजिए रोक करके। अगर आप इस वीडियो को ऐप्स में देख रहे हैं तो आपको बता दें साथियों, ऐप्स में सबको मुसीबत होती है, बैक नहीं होता ना। देखो जब वीडियो प्ले होता रहेगा तो बैक नहीं होगा, ठीक ना। और अगर अभी तक आपने पीवीआर स्टडी का ऐप्स इंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे बड़ी आपकी ये भूल है, जल्दी से इंस्टॉल करिए। आपने ज्वाइन किया है या नहीं किया है, अगर आपने पेड किया है तो ऐप्स में पेमेंट वाला पूरा कंप्लीट कोर्स है, अच्छी तरीके से है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपके लिए भी सुविधा है, फ्री वाला कोर्स भी पीवीआर स्टडी के ऐप्स में उपलब्ध है। ऐसी बात नहीं कि जो पेड करेगा वही देखेगा। हाँ, लेकिन बात तो आप जानते हैं कि दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट होगा रेखा। रेखा को आप सभी पहले से जानते हैं, रेखा से परिचित हैं। रेखा को इंग्लिश में कहा जाता है लाइन। लाइन क्या होती है, देखिए अभी हमने बात किया था स्टार्टिंग में रेखा और रेखाखंड की, है ना। तो रेखा और रेखाखंड की बात किया था, अब हम बात करेंगे लाइन की। लाइन को हिंदी में रेखा कहा जाता है। इसका मतलब समझना, दो बिंदुओं को एक नुकीली पेंसिल से सीधे मिलाने वाली आकृति को रेखा कहा जाता है। देखो यार, हर चीज़ की डेफिनेशन बनानी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, डेफिनेशन बनानी पड़ती है। दो, जैसे यहाँ पर हमने रखा एक नुकीली पेंसिल से दो बिंदु रखा, ठीक ना। अब इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो आकृति है, आकृति मतलब एक प्रकार से ये फिगर बन रहा है ना, एक जो भी कुछ दिख रहा है आपको वही क्या है, आकृति है। तो इसको ऐसे परिभाषा लिख सकते हो, अगर कहीं आता है कि दो बिंदुओं को एक नुकीली पेंसिल से सीधे मिलाने वाली सरल रेखा को, मतलब सॉरी, दो बिंदुओं को एक नुकीली पेंसिल से मिलाने वाली आकृति को रेखा या फिर सरल रेखा कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, रेखा या सरल रेखा कहा जा सकता है। इसके बारे में और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक ना। साधारणतः रेखा को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों एल एम एन से लिखा जाता है। मतलब रेखा को डिनोट किससे किया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों एल एम एन से अक्सर इसको दिखाया जाता है। आगे अगर बात करें तो है वक्र रेखा। वक्र रेखा ये कहाँ से आती है, देखिए जो रेखा है ना, इन्हीं के दोनों लड़के बच्चे हैं छोटे, रेखा के ही ये दोनों क्या हैं, बच्चे हैं। और इनका नाम क्या है, वक्र रेखा और समांतर रेखा, यानी कि रेखा के ये प्रकार हो जाएंगे। अब आप अगली हेडिंग लिख सकते हो रेखा के प्रकार। आपने ये लाइन लिखा था ना रेखा, अगला नेक्स्ट हेडिंग लिखिए रेखा के प्रकार। रेखा के प्रकार लिखने के बाद आप इसको लिखोगे ऐसे, लाइन यानी रेखा इसमें ऐसे दो पार्ट करोगे, तो यहाँ लिखोगे वक्र रेखा और इसमें क्या लिखोगे, समांतर रेखाएं। साथियों, हिंदी लैंग्वेज में आपको समस्या होती है इसी बात को लेते हुए, हम आपकी बिल्कुल परवाह करते हैं और हम इंग्लिश भी आपको बताते हैं। इनका मतलब है कर्व्ड लाइन। देखिए कर्व आपने सुना होगा, लेकिन वक्र आपको बड़ा नया लग रहा होगा, है ना। समांतर रेखाएं आपने अक्सर सुना होगा, पैरेलल हैं, है ना। पैरेलल मतलब होता है समांतर। स्पेलिंग लिख लो देख करके कहीं से, पी ए आर ए एल ई एल, पैरेलल। अगर स्पेलिंग याद करना तो ऐसे पढ़ना, ठीक ना। रेखाओं को क्या कहते हैं, लाइंस, यानी कि पैरेलल लाइंस।
अब हम बात करते हैं ये वक्र रेखाएं क्या होती हैं और ये समांतर रेखाएं क्या होती हैं। दो बिंदुओं को वक्र रूप में मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अभी देखिए, इसको हम अच्छे से आपको दिखा भी देते हैं, इतना नोट कर लो जल्दी से। देखिए, आप ध्यान देना, हम बात करते हैं वक्र रेखाओं की। साथ ही वक्र रेखाएं क्या होती हैं? देखो, जो भी चीज़ आप खींचते हो ना, वो सभी रेखाएं ही होती हैं। चाहे आप अगर ये बनाते हो, वृत्त बनाते हो, तो ये भी क्या है? एक प्रकार की रेखा है। क्या है? एक प्रकार की रेखा है। अगर आप कोई रस्सी लेकर के या कोई चीज़ लेकर के, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊं, ये इसको लेकर के आप ऐसे किए होते, क्या है? ये भी एक रेखा है। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे मिला दिया तो क्या हुआ? तभी तो ये रेखा ही हुई। लेकिन ये क्या होगा? मतलब वक्र ही कहने का मतलब बनेगा। इसके भी अभी हम टाइप आपको दिखाएंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो आप समझ लो कि वक्र क्या होता है, मतलब वक्र रेखाएं क्या होती हैं और समान तरह की रेखाएं क्या होती हैं। समान रेखाओं का मतलब जो सीधा होती हैं, और वक्र रेखाओं का मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा हो। जैसे ये देखो, सीधा है तो ये क्या है? रेखा है। अगर इसको आपने ऐसे कर दिया तो क्या हुआ? ये भी रेखा है, लेकिन ये वक्र रेखा हो जाएगी, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा हो गई। लेकिन अगर वक्र की बात करें, कौन से प्रकार का वक्र है ये? तो ये क्लोज वक्र है, और सॉरी, ओपन वक्र है, क्योंकि ये खुला हुआ है, दोनों एक में नहीं है ना। मतलब क्लोज वक्र क्या होता है, ओपन वक्र क्या होता है? एक ऐसा वक्र है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग होता है, वो ओपन वक्र कहलाता है। और एक ऐसा वक्र जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही होता है, वो क्लोज वक्र कहलाता है। तो देखो जरा ध्यान से, ये वक्र स्टार्ट हुआ था पी से और बंद हुआ है क्यू पर, तो स्टार्ट अलग से हुआ है और मतलब ख़त्म भी अलग ही जगह हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या है? ओपन वक्र है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर हम आपको बात करें एक बंद वक्र की, देखो ध्यान से देखना, ये स्टार्ट हुआ था यहाँ से पी से और ये घूम फिर के जहाँ से भी आया और फिर पी पे आ गया, यानी कि बंद हो गया ना। पी से ही खुला था, पी पे बंद हो गया, ये है क्लोज वक्र। यानी कि एक ऐसा वक्र जिसका एंड स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही होता है, वो बंद वक्र कहलाता है। तो ये बातें हो गई वक्र रेखाएं की और वक्र के प्रकार। देखो, आपके बुक में वक्र के प्रकार तो नहीं है, वक्र के प्रकार यहाँ पर तो अभी नहीं है, लेकिन अगर मैंने बता दिया तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, पढ़ लो, अपच नहीं होगी, ठीक ना? बातों को समझना चाहिए, एक क्वेश्चन से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन भी आपको समझना चाहिए। इसके बाद अगला आता है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं से आप सभी पहले से ही परिचित हैं, चाहे वो जिंदगी की भाग दौड़ हो या फिर कुछ ऐसे जरूरी और बिना जरूरी काम, जहाँ पर आप समांतर चीज़ों को देख ही जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप रेलवे का ट्रैक तो देखे ही होंगे। रेलवे के ट्रैक में आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है? दो पटरियाँ होती हैं जिस पर ट्रेन दौड़ती है। वो दोनों पटरियाँ आपस में क्या होती हैं? अक्सर प्रायः हर जगह समांतर होती हैं, लेकिन कहीं कहीं लंबवत भी हो जाती हैं। जैसे जहाँ पर दो पटरी एक दूसरे को आपस में क्रॉस करती हैं, आपने देखा होगा चौराहा टाइप का बना होता है, जैसे इधर से भी ट्रेन जा रही, उधर से भी जाती है, अक्सर कहीं कहीं ऐसा होता है। तो वहाँ अगर छोड़ दें, वो एक अपवाद है, बाकी जो रेलवे लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है? समांतर होती है। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे, दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं पर भी कभी भी नहीं काटती हैं, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक ना? बात समझ में आई? अगर समांतर की बात किया है, वक्र की बात किया है, तो हम लंबवत रेखाओं की ही क्यों ना बात कर लें? क्योंकि जब बात शुरू हुई है तो जैसे 3 वैसे 13, चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। वैसे तो आपके इस बुक में, इस सिलेबस में, इसमें लंबवत रेखा के बारे में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देख लेना, गड़बड़ नहीं होगा, जानकारी होनी चाहिए। दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेदित कर दें, मतलब काट दें, वो लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। जैसे एक रेखा इधर को जा रही है, किधर को जा रही, तो हाँ, ऐसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि वो रेखाएं जो एक दूसरे से मिलते हुए समकोण बनाती हैं, और समकोण का मतलब आप जानते हो, इसे राइट ट्राइंगल भी कहा जा सकता है ना, मतलब 90 अंश का जो कोण बनाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? लंबवत रेखाएं कहा जाता है। और इसके आगे अगर हम बात करें
तो ध्यान देना अभी क्या क्या होता है इसमें, क्लास को पूरा देखना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिएगा। और हाँ, PVR स्टडी ऐप्स प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, अभी इंस्टॉल करें, अपना मोबाइल नंबर नाम एंटर करें और साइन अप करें, कोई भी एक पासवर्ड बनाएं अपने मन मुताबिक, चाहे अपना नाम लिख दें पासवर्ड में या कोई भी 4 अंक का आप गिनती में भी पासवर्ड बना सकते हैं। किसी प्रकार की टेक्निकल हेल्प के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन कॉल पर संपर्क करें। अभी आपने देखा था प्रतिच्छेदन बिंदु, अब हम बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, संगामी रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। इसके पहले हमने बात किया है क्या क्या, लंब रेखाएं, समांतर रेखाएं और वक्र रेखा, 3 प्रकार की रेखा हम पहले से देख चुके हैं, और इसके बाद हम देखेंगे 4th नंबर, ठीक ना, वहाँ कहीं नहीं आता चाहे जहाँ जाओ, नंबर 4th, 5वां, 6वां, ठीक। अब देखिए प्रतिच्छेदन बिंदु और प्रतिच्छेदी रेखाओं में क्या अंतर होता है, हमने आपको बताया था कि जब किसी रेखा को 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं तो उस बिंदु को प्रतिच्छेदन बिंदु कहा जाता है, लेकिन प्रतिच्छेदी रेखाओं में थोड़ा सा अंतर होता है, और वो क्या होता है आप ध्यान से देखिए कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी आपस में काटती हैं तो वो रेखाएँ दोनों क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएँ कहलाती हैं, और वो रेखा किधर को जा रही इससे कोई मतलब नहीं होता है, चाहे वो ऐसे जा रही या फिर ऐसे जा रही है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएँ होती हैं। संगामी रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाओं में अंतर क्या होता है, देखिए ये भी लगभग एक ही जैसे होता है। संगामी रेखाओं का मतलब होता है साथियों, देखिए इसका इंग्लिश अभी मैंने लिखा था, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका जो बिंदु वाला था रेखा है तो इंटरसेक्शन लाइन लिख लेना बस, ठीक। तो साथियों इसमें क्या होता है कि कोई ऐसा बिंदु जिस पर से 2 या 2 से अधिक, मतलब जितनी भी ढेर सारी रेखाएँ हों, चाहे 2 हों, चाहे 10 हों, चाहे 20 हों, वो जिस मतलब एक ही बिंदु से अगर होते हुए जाती हैं तो वो संगामी क्या कहलाता है, रेखाएं कहलाती हैं। कुछ कम समझ में आया होगा ना, नोट कर लीजिए पहले तो फिर बताते हैं एक बार, फिर से एक बार इसको नोट करिए और आकृति बनाइए तो फिर हम आपको इसको बताते हैं थोड़ा सा और अच्छे से बताते हैं। देखिए इसको दूसरी भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ही तल पर स्थित, एक ही तल मतलब किसी भी जगह पर स्थित वह सभी रेखाएँ जो एक ही बिंदु पर क्या करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, वो संगामी रेखाएं कहलाती हैं। अभी हमने बताया था 2 या 2 से अधिक या ढेर सारी रेखाएं, तो कहने का मतलब है ये है सीधा सीधा कि सभी रेखाएं, चाहे जितनी सारी रेखाएं हों, वो संगामी रेखाएं कहलाती हैं अगर वो एक ही बिंदु से होते हुए जाती हैं। उसके बाद आता है तिर्यक रेखाएँ, तिर्यक का इंग्लिश में कहा जाता है डायगोनल लाइन। अब ये डायगोनल लाइन क्या होता है, कौन सी वाला है, आइए देखते हैं। ध्यान देना, इसको मैं आपको देख के कुछ बता रहा हूँ इसके बारे में कुछ विशेष, और आप सभी इसको नोट करते जाना, ठीक ना। और हाँ एक बात और, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो उसको ज़रूर बनाते चलिए, नहीं तो ये पल्ले नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे हम कोई कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, कपिल शर्मा वाली की याद रहेगा, वो ऐसे कही थी, वो ऐसे बोला था, ठीक ना, एग्ज़ाम आएगा तो सब उड़ जाएगा दिमाग से, ये भूल जाएगा, इसलिए नोट्स बनाइए, एक एक पॉइंट को उसमें लिखिए, अगर हेडिंग हेडिंग लिखे रहोगे परीक्षा में हेडिंग याद रहेगा ना, तब भी काफ़ी कुछ कर सकते हो, तो ये कहानी भी याद आ जाएगी अगर थोड़ा बहुत मेहनत करोगे तो, बाकी सब भूल जाएगा, जो भी ये हंसी मजाक डायलॉग हो रहा है सब भूल जाएगा। चलिए डायगोनल लाइन क्या होता है, वह रेखा जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को काटे वो तिर्यक रेखा कहलाती है, कहने का मतलब एक तीर से 2 निशाना, सीधा सीधा याद रखना भूलेगा नहीं, एक तीर से 2 निशाना अगर कोई तीर बनाती है तो उसे तिर्यक रेखा कहा जाता है। जैसे कुछ लोगों की नियत 2 चीज़ों पे होती है, तो बस वैसे ही कुछ एग्जांपल हम आपको दिखाने वाले हैं, पॉजिटिव थिंक में ले लीजिए, तो जैसे आप UPTET की परीक्षा भी देते रहते हैं साथ साथ में BTC भी करते रहते हैं, है ना, फिर ना BTC में होते हैं ना UPTET में होते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए शायद, पहले एक एक काम अच्छे से करना चाहिए, हाँ एक्सपीरियंस लेते रहिए अलग बात है। चलिए आगे देखिए, जैसे ये मैंने एक रेखा खींचा ना, तो ये क्या हुआ, ये दोनों को काट रही है, तिरछी होके हुए जा रही ना, तो इन्हें क्या कहते हैं, तिर्यक रेखाएं कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि 2 ही को काटे, 2 से अधिक को भी काट सकती है, तो इसे आप ऐसे कह सकते हो कि वो रेखा जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को काटे वो तिर्यक रेखा, या फिर इंग्लिश में डायगोनल लाइन कहलाती है। बोलचाल की भाषा में कोई भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा वक्र कहलाती है,
गणित में सामान्यतः वक्र ऐसी रेखा है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा में किसी विशेष नियम से ही परिवर्तन होता है। ऐसे बिंदु का पथ है जो विशेष नियम से ही विचरण करता है, जैसे वृत्त या समतल वक्र। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जिसे कहा जाता है वक्र। वक्र को इंग्लिश में कर्व कहा जाता है। अभी इसकी परिभाषा थोड़ा सा हमने गुणगान किया था, आपने सुना होगा जस्ट थोड़ा देर पहले, कुछ सेकंड पहले हमने क्या कहा था, ये कहा था कि बोलचाल की भाषा में कोई भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा वक्र कहलाती है। जैसे एक रेखा यहाँ से शुरू होती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे यहाँ पर एंड हो जाती है, मतलब तीरगांव से शुरू होकर मीरगांव तक गई, ये क्या बना इससे नहीं मतलब है, लेकिन ये वक्र कहलाती है, ठीक ना। अगर वक्र के प्रकार की बात करें तो ये खुला वक्र है, ओपन वक्र है, यानी ओपन कर्व है ना। लेकिन ये कर्व होता क्या है, रियल में क्या होता है, बोलचाल की भाषा में तो किसी भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र कहा जाता है। देखिए पूरा सुनिएगा, जो किताबी परिभाषा है इसे सुनिएगा। गणित में सामान्यता, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अगर देखें तो जनरली, यानी कि सामान्यता, एक ऐसी रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा में किसी विशेष नियम से ही परिवर्तन होता है, और यह ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जो विशेष नियम से ही विचरण करता है। कहने का ये मतलब है कि जैसे हमें एक बक्सा बनाना है, एक पेटी बनाना है, तो इसमें भी एक विशेष प्रकार का नियम होगा कि हमें कैसे कैसे रेखा ले जाना है तभी ये बनेगी। अगर ले जाना इधर ले जाओ उधर तो पेटी नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा, है ना। तो एक प्रकार से इसे आप ऐसे ही समझ सकते हो, बाकी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक ना। और इसमें कुछ आएगा भी नहीं आपको, अगर कोई भी आकृति, अगर वक्र के द्वारा बनाई गई आकृति पूछा जाएगा तो आप कुछ भी बना देना। जैसे देखो ये सिलेंडर बना दिया, बेलन, आप शंकु बना सकते हो, ये ऐसे है ना। तो मित्रों, इस तरह से आप कर्व के बारे में समझ गए होंगे। थोड़ा सा कम समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताना, हम आपको अगला सेक्शन दिखाएंगे। और लेकिन हाँ, एक बात और बता दें चलते चलते, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट या सेकेंड किसी भी सेमेस्टर में हैं, PBR स्टडी फॉर बेसिक एंड DLED मैथ, ये PBR स्टडी प्रयागराज चैनल का नाम कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया ऐसा, क्योंकि अब ये PBR स्टडी प्रयागराज पर उद्देश्य है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंटेंट दिए जाएंगे और आपको अच्छी खासी सुविधा मिलेगी, जिससे कि कंपटीशन वालों को अलग कर दिया गया है, 9th, 10th, 11th, 12th वालों को अलग कर दिया गया है, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। जो भी वीडियो मिलेंगे सब आपके काम के ही होंगे, और ये 15 जनवरी के बाद पूर्णतः अप्लाई हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम बात करेंगे रेखाखंड। देखिए अभी तो हमने रेखाखंड के बारे में शायद बात किया था कुछ, है ना, नहीं हमने तलखंड के बारे में बात किया था, तलखंड के बारे में बात किया था, यानी कि बॉटम ब्लॉक के बारे में बात किया था। अब हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, लाइन सेगमेंट। लेकिन हाँ, आपसे एक और निवेदन है कि अगर अभी तक आपने PBR स्टडी को फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि पेड वाली जो क्लास होती हैं उसका 60% भाग फेसबुक पर फ्री में दिया जाता है, वो आप लोगों को प्रमोट करने के लिए। तो फेसबुक यूज करते हैं तो PBR स्टडी सर्च करके पेज को लाइक करना, और PBR स्टडी ऐप्स अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना, और सारी कंप्लीट क्लास को देखते रहना। साथियों, अगले क्लास के बारे में बात करेंगे हम अगली क्लास में। ये क्लास आप हर दिन शनिवार और रविवार को छोड़ करके रात्रि 9:30 बजे से PBR स्टडी फॉर बेसिक एंड DLED मैथ वाले चैनल पर देख सकते हैं। और आप सभी को आपके एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, थोड़ा दिन और बचा है परीक्षा के लिए, बहुत अच्छे से तैयारी करें, अभी कल नहीं होगी परीक्षा, बेस्ट ऑफ लक दे रहे हैं तो, ठीक ना, थोड़ा सा मेहनत करिए अभी भी। जय हिंद, अगली क्लास के लिए इंतज़ार करिएगा, 10:15 से होगी, DLED का थर्ड सेमेस्टर मैथ होगा, थर्ड सेमेस्टर वाले तो आएंगे ही, साथ साथ में जिसको मैथ सीखना है, मैथ में रुचि है, जिसको मैथ से काफ़ी डर लगता है, उन सभी रोगियों का भी गारंटी के साथ इलाज होगा। तो 10:15 से ज़रूर आना।